हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग। कटिंग मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही इस वीडियो के एंड में भी मैं वो वीडियो डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, कटिंग के बाद हमें इसको लाइनिंग पर इस तरीके से अटैच कर लेना है सभी पार्ट को जो भी हमने कटिंग किए रहते हैं ब्लाउज़ के। तो लाइनिंग को भी आप किस तरीके से बिठा सकते हैं इजीली, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें चार तरीके मैंने आपको बताए हैं इजीली लाइनिंग अटैच करने के। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही वीडियो के एंड में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सब पार्ट मैंने अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो टक्स हमेशा 1.5 से 2 इंच तक रहता है यहाँ पर, और ये शोल्डर के सेंटर में ही आना चाहिए। उसके बाद दोनों साइड से मैंने आधा आधा इंच की मार्किंग कर दी है। अगर आपका हैवी ब्रेस्ट है तो आप 1 इंच तक भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा कप का साइज़ अच्छा बनता है। उसके बाद से देखिए, वहाँ पे सब साइड से आपको 2-2 इंच का गैप करते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। आपको ध्यान रखना है बीच में एक सर्कल जैसा बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई डन। अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ क्रॉस पट्टी मैंने ले ली है, उसके ऊपर मैं लाइनिंग को भी इस तरीके से सेट कर लूँगी। तो अंदर की तरफ जो पट्टी आती है उसमें लाइनिंग ही यूज़ होती है, और जो बाहर की तरफ आती है उसमें लाइनिंग को इस तरीके से अटैच करके लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये फ्रंट वाला क्रॉस पट्टी है, इसको मैंने इस तरीके से रख दिया है फ्रंट पार्ट में, और बैक साइड से हम लाइनिंग को रखेंगे इस तरीके से, और दोनों को मिलाते हुए तीनों को पकड़ के इस तरीके से हमें सिलाई कर देना है। और जो हमने टक्स मारा है उसको आपको पीछे की तरफ से ले लेना है, वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, देखिए इस तरीके से। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगा देंगे हम ताकि इसका शेप अच्छे से रहे, और उसके बाद इसको अंदर करेंगे कपड़े को सारे को, और उसके बाद में यहाँ पर भी इस तरीके से सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट में हमारी क्रॉस पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ बटन पट्टी। तो यहाँ पर फ्रेंड लाइनिंग का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो पीछे की तरफ जो हम फोल्ड करते हैं कोई भी कपड़ा ब्लाउज पीस में जिसमें आप लाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बैक की तरफ हमेशा लाइनिंग का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ लाइनिंग को मैंने इस तरीके से बिठा दिया है, और पीछे की तरफ मैं मोड़ दूँगी। और इसमें भी फ्रेंड डिफरेंस रहता है, कोई राइट साइड से हुक लगाता है, कोई लेफ्ट साइड से लगाता है, तो वो आपको देखना है और उस हिसाब से आपको इसको बनाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सिलाई हो गई है इस तरीके से। इसको हमें बिठा देना है अंदर की तरफ फोल्ड करके, और अगर आपको लगे आपका कपड़ा बाहर आ रहा है तो आप उसको एक्स्ट्रा को कट कर दें। देखिए, वो हमारा बैठ गया है एक साइड का। दूसरे साइड का बिठाने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग अटैच कर ली है, और इसको हम बिठाएंगे इस तरीके से। तो जो हमारे ब्लाउज़ की आई पट्टी होती है या जिसमें हम बटन लगाते हैं, उस वाली पट्टी को हम नीचे की तरफ से बिठाते हैं, और ऊपर की तरफ फिर इसको फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करते हैं। देखिए, दोनों पट्टी हमारी बैठ गई। अब हमें इसी तरीके से सेट करके देख लेना है। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है दोनों में, तो आपको उसको कटिंग करके सेट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब यहाँ मैंने बैक पार्ट ले लिया है, इसमें पीछे की तरफ हमें टक्स मार देना है, और यहाँ भी हम लाइनिंग पट्टी बिठा देंगे। तो इस तरीके से पट्टी को ही बिठाना चाहिए बैक में। अगर आप कपड़े को ही फोल्ड कर देंगे डायरेक्ट अगर एक्स्ट्रा कट करके, तो वो पीछे से उठा हुआ लगेगा। तो हमेशा आपको याद रखना फ्रेंड्स, पीछे की तरफ ब्लाउज में हमेशा इस तरीके से पट्टी काट के ही लगानी है।
डायरेक्ट वो ब्लाउज का पीस को फोल्ड नहीं करना है अंदर की तरफ से। कई बार काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं, जैसे आपका रेडी बैग 14 है और आप 16 इंच तक उसको कट कर लेते हैं और आप सोचते हैं उसी पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो उससे फिटिंग काफ़ी बार अच्छे से नहीं बैठती है, पीछे से उठा हुआ लगता है ब्लाउज। तो आपको हमेशा ऐसे पट्टी बिठानी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस रेडी हो गए हमारे बैक के भी फ्रंट के भी। उसके बाद मैंने साइड से इसको मेजर करके देख लिया है बराबर आया है कि नहीं। उसके बाद इसके शोल्डर मैंने अटैच कर दिए, शोल्डर पे भी हमें डबल स्टिच कर देना है। अब हम बिठाएंगे पाइपिंग, तो पाइपिंग का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका है फ्रेंड, और उसका वीडियो भी मैं डाल दूँगी एंड में। यहाँ मैंने पाइपिंग रेडीमेड ले ली है, मतलब मैंने पहले से बना के रखी हुई है, उसको मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना उसका प्रेस पुट चेंज कर दिया है, वन साइड वाला मैंने लगा दिया है राइट हैंडेड। सो इसको बिठाने का बहुत ही ईजी है ये वाली पाइपिंग जो होती है डोरी पाइपिंग, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर आप भी इस तरीके की पाइपिंग बिठाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको भी गले को बिठाने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। और जैसे कोई सिंपल बिठाता है, कोई पाइपिंग नॉर्मल बिठाता है, ये डोरी पाइपिंग वाला ब्लाउज था तो इसमें मैंने डोरी पाइपिंग बिठाई है। और स्लीव में भी हमें पाइपिंग लगानी थी इस तरीके से, तो उसको भी मैं यहाँ पे स्लीव में भी पाइपिंग लगा लूँगी। तो अब हम बिठाएंगे फ्रंट स्लीव, तो स्लीव को सही से बिठाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपका शोल्डर उतरेगा। तो स्लीव को बिठाने के लिए आपको सबसे पहले स्लीव को चेक कर लेना है कि आपका आर्म होल सही से बैठ रहा है या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा आधा इंच का जैसा गैप लग रहा है तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं स्लीव को बिठाना वहाँ से आप थोड़ा सा खींच सकते हैं, बट जैसे ही आप शोल्डर के पास आते हैं सेंटर में वहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है शोल्डर को स्लीव को बिठाते टाइम, अदरवाइज़ आपका शोल्डर उतरेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने बिठा लिया और ये परफेक्टली बैठ गई। उसके बाद मैंने डबल स्टिच कर दिया है और उसके बाद एक रफ सिलाई हम यहाँ पर कर लेंगे पहले इसको इस तरीके से। तो एक साइड से हमने बिठा के कर दिया डन, सेकंड साइड से भी मैं स्लीव बिठा रही हूँ। तो स्लीव फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यान से बिठानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी फिटिंग को लेके। अगर आपने स्लीव थोड़ा भी खींच के ज़्यादा बिठा दिया ना तो आपका शोल्डर उतरेगा ही उतरेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड से भी मैंने बिठा दिया है, आपको बिल्कुल भी खींच के स्लीव को नहीं बिठाना है। तो यहाँ हो गई ये सिलाई डन और यहाँ पर भी मैं एक रफ स्टिच मार दूँगी पहले। तो अब हम करेंगे इसकी फ़िटिंग। तो फिटिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है माप का जो ब्लाउज़ था मेरे पास, और उसके बाद जहाँ से हमने यहाँ पे सिलाई की हुई है फ़िटिंग की सिलाई को हमने मेजर कर लेना है। और उसके बाद इस तरीके से रखते हुए जो हमने रफ स्टिच की थी उसका सेंटर निकाल लेना है, और उसके बाद दोनों साइड से जहाँ जहाँ फ़िटिंग आ रही है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और ऐसे ही हमें कमर का भी कर लेना है और स्लीव का भी कर लेना है। तो कमर पे भी मैंने मार्किंग कर ली है, देखिए सेंटर निकालेंगे हम, फिर दोनों साइड से जो भी आपका आ रहा है टोटल उसका हाफ हाफ दोनों साइड से हम मार्किंग कर लेंगे, और उसके स्केल की मदद से इस तरीके से सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम आपको स्लीव में भी करना है, स्लीव का मेजरमेंट ले लेना है और फिर उसके बाद वहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है, और जो हमने नीचे जो लाइन ड्रॉ की है उसको इस वाली लाइन से मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए ये हो गया है और बस इस पर हम स्टिच कर देंगे और हमारा ब्लाउज़ बन के हो जाएगा रेडी। और काफ़ी लोग एक्स्ट्रा स्टिच करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर आपको फिट हो या ढीला हो तो आप उसको मैनेज कर पाएँ, तो आपको एक्स्ट्रा स्टिच भी कर देनी है यहाँ पर साइड में एक दो, और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को आपको कट कर देना है यहाँ से। तो ये देखिए ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया, अब इसको हम इस तरीके से माप के दिख लेंगे एक बार एंड में। तो यहाँ देखिए कमर को मैंने माप लिया है और इस तरीके से मैंने सब पार्ट्स को माप के देख लिया है। और आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ब्लाउज़ इस तरीके से रखने के बाद ये पट्टी दोनों आपस में मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा परफेक्टली रेडी हो गया है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा फ्रेंड। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।